वी आर लाइव नाउ, वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू एक्सरसाइज 6.4। ओके स्टूडेंट्स, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू पैसा, ठीक है, रुपीस में वैल्यू दी गई है और हमें कन्वर्ट करना है पैसे में। कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू पैसा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ₹7। हाँ, सबसे पहले बात है कि 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं। सो 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे। ओके, 1 रुपीस में 100 पैसे होंगे आपके। ओके, थोड़ा कैमरा सेट कर लें, बुक भी। सो एंड 1 पैसा इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 रुपीस, ठीक है। 1 पैसा इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 रुपीस। सो रुपीज़ को क्या है, पैसे में कन्वर्ट करना है। सो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। सो 7 रुपीज़ इज इक्वल टू 7 × 100, और जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसे में। ओके, सो फाइनल आंसर 700 पैसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ₹8.90। सो देयरफॉर 1 रुपीज़ 1 इज इक्वल टू 100 पैसे। ओके, सो 8.90 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे और जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अभी पॉइंट को, डेसिमल को सॉल्व करने के लिए अभी पॉइंट भूल जाते हैं। ये हमारी डिजिट जो है वो 1890 है। 890 इंटू 100 जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो 890 में 2 जीरो 100 के और बढ़ जाएंगे। अब पॉइंट काउट करिए बैक डिजिट से 1, 2। ओके, बैक डिजिट से पॉइंट आंसर में भी लग जाएगा यहाँ पर, और पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू कुछ नहीं होती है। सो फाइनल आंसर होगा 890 पैसे। ओके, सो ₹19, 0.86, ₹11, ₹22.75, ₹41। सो सभी है। एक और बता देते हैं, लास्ट वाला 8 नंबर क्वेश्चन, ₹100.10, ₹100.10। ओके, सो देयर फॉर ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। ओके, सो जैसे ही रुपीज़ को 100 पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100.10 इंटू 100 पैसे, ठीक है। अभी पॉइंट भूल जाते हैं, ये 10,010 है और ये हमारा 100 है। सो जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो लास्ट में 100 के 2 जीरो और बढ़ा लेंगे डिजिट में। पॉइंट डेसिमल काउंट करेंगे सो बैक से 2 डिजिट, सो बैक से 2 डिजिट यहाँ पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के बाद जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनल आंसर होगा 10010 पैसे। ओके, सो आई थिंक सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू रुपीस। अब जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो रुपीस में कन्वर्ट करना है। और बी कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीस। ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे मैंने पैसे को रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर रहे थे, 100 का मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। रुपीस हायर यूनिट है और पैसा लोअर यूनिट, तो हायर यूनिट से लोअर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे थे, रुपीस से पैसे में कन्वर्ट कर रहे थे, सो मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। और अब पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे सो क्या कराएंगे, डिवाइड 100 का,
ओके, 100 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ 100 डिवाइड होगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 8259 पैसे, ओके। और जैसे ही पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी लिखनी होगी, 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीस, ओके। 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीस, ओके। तो 8259, और जैसे ही इसमें 100 का डिवाइड कराएंगे बेटा, तुरंत ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर का साइन बन जाएगा रुपीस का, ओके। और डिनोमिनेटर में कितने जीरो, 100 में 2, तो न्यूमरेटर में बैक से 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा 82.59। बैक से 2 डिजिट काउंट कर लेंगे और पॉइंट लगा देंगे, 82.59 रुपीस, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, वो भी देख लीजिए, 2 पैसे, ओके। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लिख लेंगे, देयर फॉर 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीस, ओके। सो 2/, ये क्या हो जाएगा, 100, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपीस में, ओके। सो रुपीस 20 डिनोमिनेटर में है, तो इसमें भी 2 डिजिट काउंट हो जाएंगे, 1, 2, और यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, तो 0.02, ओके। एक 1 पैसे का आप लोग ट्राई करिएगा, 50 पैसे, 100 पैसा, 75 पैसा, 93 पैसा आप ट्राई करिएगा। 8 नंबर, लास्ट नंबर क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, 735 पैसे, 735 पैसे, ओके। सो वी नो दैट 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीस। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इसी बात को, कि अगर रुपीस को आप पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, और पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का डिवाइड होगा। इसी बात को आप लोग 20 बार डेली रिपीट करोगे 3 दिन, और ऑटोमेटिक आपको फंडा पता चल जाएगा कि रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना होगा तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, और पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना होगा सो 100 का डिवाइड होगा, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन है 735 पैसा, सो 735 में जैसे 100 का डिवाइड देंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपीस में, ओके। रुपीस का साइन आ जाएगा, और लास्ट से 2 डिजिट काउंट कर लीजिए, 5 और 3, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा 7.35, ओके। सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, और आज का वीडियो इतना ही रखते हैं छोटा सा। प्रीवियस वीडियो थोड़ा बड़ा था, तो इस बार थोड़ा छोटा सा मैंने कर दिया है, क्योंकि इसके बाद मीटर होगा, फिर ग्राम होगा, फिर लीटर, कई सारी यूनिट्स हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा जो है वो ये पूरा थोड़ा लार्ज टॉपिक है, सो इसको कल डिक्टेट करेंगे अच्छे से। अभी आप पैसा और रुपीस को ही ट्रांसफ़र करना सीखें, ओके। सो बाय, टेक केयर।